हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चने का साग बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चने का सॉफ्ट सॉफ्ट सा साग ले लिया है। ये नरम पत्तियाँ हैं और इन्हें मैंने 2-3 बार पानी से अच्छे से धो करके इसे छन्नी में निथार लिया है ताकि इनका पानी निकल जाए। इसके साग को हम रोटी, मक्के की रोटी और गेहूँ की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती हैं। अब एक पैन में हमने 2 ग्लास पानी लेना है, आप कोई भी गहरे बर्तन में ले सकते हैं। और इसके ऊपर अब हम एक छन्नी रख देंगे। छन्नी को पानी में डूबने नहीं देना है, इतना पानी डालें, छन्नी ऊपर ही रहनी चाहिए। और छन्नी बारीक या मोटी कोई भी ले लें। और इसके ऊपर हम धुला हुआ चने का साग रख देंगे और इसमें रखेंगे 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा और 4-5 कली लहसुन की, इन्हें भी हमने छील कर अच्छे से धो लिया है। और करीब 4-5 हरी मिर्च रख दें, आप तीखा खाते हैं तो 1-2 मिर्च ज़्यादा कर सकते हैं। और अब हम लेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर और इन्हें धोकर हमने बीच से काट दिया है और इन्हें यहाँ पर हम इस तरह रख देंगे। थोड़े से हम धनिया की डंडियाँ सहित पत्ती लेंगे, डंठल अलग नहीं करना है। और 2-3 बार धोने के बाद इसे भी यहाँ हम ऐड कर देंगे। और अब इस पैन को हमने ढक देना है और गैस पर फुल फ्लेम पर रख देंगे। जब इसमें एक अच्छी सी भाप बन जाएगी, देखिए मैंने फुल फ्लेम पर रख दिया है और यहाँ पर देखिए इसमें अच्छे से भाप बन चुकी है और इसकी स्टीमिंग शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर अब हम इसको ढककर 15 मिनट के लिए लो मीडियम पर इसे स्टीम होने देंगे और फिर गैस को बंद करके इसे अपने आप ठंडा होने देंगे। 15 मिनट बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब तक हम मसाले ले लेते हैं और अब देखिए साग जो है स्टीमिंग के बाद ठंडा हुआ है, हल्का हल्का गर्म है। इसे एकदम भी ठंडा नहीं करना है क्योंकि ये जो साग होता है ये हल्के गर्म में अच्छे से पीस जाता है। इसे एकदम भी ठंडा ना करें, हम छू सके इतना ठंडा बस कर लें। और इसमें से जो हरे मसाले हैं वो हम निकाल लेंगे, इन्हें हम अलग पीसेंगे। और ये जो साग अभी थोड़ा गर्म है पहले हम इसे पीस लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में लेकर के हम इसमें सारा साग डाल देंगे और थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका हम गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। ऊपर से एक किचन टॉवल डालकर हम इसे पीसेंगे ताकि ये गर्म है हल्का तो उचट कर हमारे ऊपर ना आए। और अब देखिए मैंने इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है और बहुत ही सॉफ्ट सा पेस्ट बनता है क्योंकि ये साग ही बहुत नरम था। तो अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और इसे अभी थोड़ी देर के लिए किनारे रख देते हैं। और अब हमने जो हरे मसाले लिए थे उन्हें भी एक छोटे जार में लेकर के इनका भी हमने एक प्यूरी सा बना लेना है। और ये टमाटर हैं, इनके छिलके हमने अलग कर देना है। वैसे भी ये ठंडे हो जाते हैं तो ये अपने आप अलग हो जाते हैं और ये अच्छे से पिसते भी नहीं हैं, तो इन्हें हम अलग कर देते हैं। और सारे मसाले यहाँ डालकर बचे हुए टमाटर के भी छिलके अलग कर देते हैं। और इसकी हमने एक प्यूरी बना लेना है। अदरक का भी हम छोटा छोटा टुकड़ा कर देंगे ताकि ये प्यूरी एकदम स्मूथ बने। और अब हम इसे पीस लेते हैं। बहुत ही सुंदर सी प्यूरी बनी है, इसका कलर भी बहुत अच्छा लग रहा है और एकदम सॉफ्ट है, एकदम नरम क्रीमी है। इसे अभी हम किनारे रख देते हैं। और अब हमने जो साग पीस कर रखा था उसे इस तरह से हाथ से दबाएंगे तो इसका जो रेशा है वो हमारे हाथ में आएगा, तो जो भी एक्स्ट्रा रेशा आता है उसे हम अलग कर देंगे। ये इस तरह से निकलेगा क्योंकि इसकी स्मूथनेस को कम करता है और भाजी को भी हमने काटा नहीं है तो ये रेशा तो निकलेगा ही। तो इस तरह से हमें आधी चम्मच इसका हाथ से मसल कर रेशा अलग कर देना है। और अब इस पिसे हुई साग में हम प्यूरी मिला देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें जार में ही थोड़ा सा पानी डालकर। और इसे भी हम पिसे हुए पेस्ट में मिला देंगे क्योंकि इसे हमें हल्का सा नरम ही रखना है अभी ताकि चम्मच अच्छे से मिला सके। और 1 टेबल स्पून चावल के आटे में थोड़ा सा पानी डालकर हम इसका घोल बना लेंगे। इसे अच्छे से घोलेंगे ताकि इसमें लम्स ना रहे। और अब हम एक पैन में 2 चम्मच शुद्ध घी गर्म करेंगे और 2 सूखी लाल मिर्च तोड़कर हम इसमें तड़का लगाएंगे। और आधी चाय का चम्मच हमने राई, थोड़ा सा हींग डालना है और 4-5 कली लहसुन की हमने बारीक काट कर यहाँ पर तड़के में डालना है। और ये कली जब तक सुनहरी हो जाए तब तक हमें इन्हें भूनना है, बिल्कुल भी कच्चा नहीं रखना है, एकदम से अच्छा सा सुनहरा भूनना है, एकदम ब्राउन, डार्क ब्राउन सा। और यहाँ पर हम चावल का घोल डाल देंगे।
दोस्तों, यदि आपके घर में चावल का माड़ निकाला जाता है तो आप इसकी जगह एक चम्मच चावल का माड़ जो है वो साग के साथ मिला दीजिए, तो फिर आपको चावल का आटा मिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अब इस घोल को हमने पानी सूखते तक भून लेना है, और जब इसका पानी सूख जाए तो इसमें हम पिसा हुआ साग ऐड करेंगे और इसे हम मध्यम आंच पर अच्छे से एक उबाली आने देंगे पहले। और यहाँ पर अब हम स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे, और अब हम इसे मिला करके धीमी आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएंगे। इसे तब तक पकाना है तब तक ये इसका घी जो है ऊपर आ जाएगा। अब हम यहाँ पर इसे हल्का सा ढक देंगे, क्योंकि इसकी उबाली बहुत गाढ़ी होगी तो ये उछल कर ऊपर आएगी तो हमारे ऊपर नहीं आएगी, इसलिए हमने ये ढक्कन इस तरह से ढक देना। ये देखिए गाढ़ी उबाली ढक्कन पर जम चुकी है। तो अब ये 5 से 7 मिनट हमने इसको धीमी आंच पर अच्छे से उबलने दिया है। इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है और सारा घी तैर कर ऊपर भी आ गया है। तो अब हम यहाँ पर आधा नींबू का रस ऐड कर देंगे, और आधा नींबू हम इसमें निचोड़ देंगे, और अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इसे एक सर्विंग बाउल में खाली कर लेंगे। और एक छोटा तड़का पैन हम गर्म करेंगे, उसमें 1 चम्मच घी गर्म करने के बाद 4-5 कली लहसुन की हम काट कर इसमें डालेंगे, और इन्हें अच्छा सा सुनहरा होने देंगे, और फिर 2 सूखी मिर्च और 1 चाय के चम्मच हम सफ़ेद तिल डालेंगे, और थोड़ा सा हींग ऐड करें, और कुछ कतरने हम अदरक की ऐड करेंगे, और इसे अच्छे से तड़क जाने के बाद हम इसे बाउल में तड़का लगा देंगे। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप इसे घर में ज़रूर बनाएं, और यदि पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करें।